الله تعالى في مقام آخر من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ये तो मेला है क्या आपके इलाके में जलसा ऐसे ही होते हैं? तो भाई ये बच्चे सो के पहले इनको उठाइए, तो भाई ये चले घर चले जाइए, सोने की जगह नहीं, मुसाफिर खाना उनको उठाइए। ए वो वहां का बैठा इधर आइए। भाई जो लोग खड़े तमाशा देख रहे, भाई ये तमाशा की जगह है, मेला है भाई, जलसा सुनने आए हैं तो खुदा के वास्ते ये देखिए दरिया बिछी हुई है, फर्श बिछा हुआ है, आप इस पर बैठ जाइए। अगर आप जलसा नहीं सुनना चाहते तो घर जाके आराम कीजिए। अब क्यों अपने जिस्म को तकलीफ पहुंचा रहे हो मेरे भाई? आजा भाई आजा, आजा थोड़ा सा मजा मामा, आजा ए बाबू ए पैंट वाला, आजा बाबू आजा, इधर आ जा इधर। पहले तो जलसा इंतजामिया को मैं क्या बोलूं, यहाँ के रजाकार कहाँ है, क्या है नहीं है भाई। पहली बात तो ये है कि आपको मेला लगाने की यहाँ जगह, मेला लगाने वालों को देनी नहीं चाहिए, जहाँ जलसा होगा वहाँ मेला होगा। तो जलसा सुनने आए आप, घर छोड़कर नींद की कुर्बानी करके आप घर से चले हैं, अल्लाह अकबर कबीरा, बजाय सवाब कमाने का आप गुनाह कमा रहे हैं। जिसमें को तकलीफ दे रहे हो घर चले जाओ, आराम करो, सो लो। आजा भाई आजा, जल्दी जल्दी इधर आजा। अच्छा एक रिक्वेस्ट करो, गुजारिश करो, निवेदन करो भाई। भाई देखिए मैं आपका मेहमान हूं, मैं कलकत्ता से चलकर यहां आया हूं, मैं आमी अपना मेहमान और नबी और हदीस आछे एक अपना मेहमान ने इकराम करो, अपना मेहमान ने इज्जत करो, ओनार खिदमत करो, इंशाल्लाह अपनारा करबेन रामार करबेन। ये तो रिक्वेस्ट करबो, गुजारिश करबो, निवेदन करबो, यदि अपनारा मानबेन बोलबो, ना मानबेन बोलबो ना, बोलबो भाई बोले। थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए भाई, थोड़ा सा आ जा तो मेरे भाई, आ जा सारे नौजवान इधर आ जाइए, आप ही लोगों को तकलीफ सुनाएंगे, हम आ जाइए आप लोग आ जाइए भाई, भाई आज में बैठे हैं जो लोग, ए बाबू ए आइए ना, थोड़ा थोड़ा बाबू आ जाइए, आगे आ जाइए, थोड़ा थोड़ा आइए आ जाइए, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ जाइए भाई, हरकत कर लीजिए, तो हरकत में बरकत है, अकल में फकर है, आ जाइए भाई थोड़ा 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 हिल जाइए ना, ए बाबू अरे थोड़ा सा हिल जाओ, थोड़ा सा हिल जाओ, थोड़ा थोड़ा हिल जाइए, ज्यादा नहीं, अगर परेशानी ना हो तो थोड़ा सा थोड़ी हरकत कर लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा अच्छा मजमा है, अब इसी मजमे को आप नजर उठा के देखिए कितना अच्छा लग रहा है, जरा नजर उठा के पीछे कीजिए देखिए कितना अच्छा लग रहा है। जलसा सुनने के लिए आया है, सोचिए तो सही। अब मैं तो यही कहूंगा कि देखिए शरीयत का एक मसला है कि मस्जिद के भीतर में जमात हो रही है, अब जगह भी खाली है मस्जिद के अंदर में, एक आदमी आया बोला ए बाबू ए बैठ जा, जूता खोल के बैठ, जूता खोल के बैठ, देखो छोटा छोटा मासूम बच्चा बैठा हुआ है, ये तो अफसोस का मकाम है कि जिस बच्चे को घर में रहना चाहिए वो यहाँ जलसा में है, और जिसको जलसा में होना चाहिए वो घर में सो रहा हो। बैठ जा
शरीयत का एक मसला है कि मस्जिद के भीतर में अगर नमाज हो रही हो, जगह खाली है, एक आदमी आया और वो देखा कि मस्जिद के भीतर में जमात खड़ी है, मस्जिद में बहुत गर्मी है अंदर में, हम मस्जिद के भीतर नहीं जाएंगे नमाज पढ़ने, हम बाहर ही नियत बांध कर खड़े हो जाएंगे, मस्जिद के बाहर ही नियत बांध के खड़ा होगा भाई, उसकी नमाज होगी? बोलिए बोलिए बोलिए, नमाज होगी? नमाज नहीं होगी। शरीयत कहती है उसकी नमाज नहीं होगी। उसी तरीके से ये पिंडाल सजा है, इस पिंडाल के नीचे बैठकर सुनने वाले को जो सवाब अल्लाह देगा, वो सवाब बाजार में घूमकर सुनने वालों को अल्लाह नहीं अदा फरमाएगा। जो सवाब इस पिंडाल के नीचे बैठकर सुनने वालों को मिलेगा, वो सवाब घर पर बिस्तर पर सोकर सुनने वालों को नहीं मिलेगा। जो सवाब इस पिंडाल के नीचे बैठकर सुनने वालों को मिलेगा, वो बाजार दुकानों पे चौक चौराहे पे घूमकर सुनने वालों को नहीं मिलेगा।